जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की, जो इंडियन आर्मी का एक पुलिस सर्विस है। मिलिट्री पुलिस एक्चुअली क्या है, इनका काम क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, सारी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे और देखने के लिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। एक्चुअली कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस इंडियन आर्मी का एक पुलिस सर्विस है। इंडियन आर्मी में मिलिट्री पुलिस को आप पहचान सकते हैं रेड बैरे को देखकर। मिलिट्री पुलिस के हर एक जवान रेड बैरे पहनते और इनके शोल्डर पर एमपी का बैच रहता है। एमपी यानी कि मिलिट्री पुलिस। अभी तक इंडियन आर्मी के मिलिट्री पुलिस में 9000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। अब इनका काम एक नॉर्मल सोल्जर जैसा नहीं होता है और इनके काम के अकॉर्डिंग ही इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। मिलिट्री पुलिस के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आर्मी एरियाज का सुरक्षा करना, आर्मी के क्वार्टर्स और कंटेनमेंट एरियाज में डिसिप्लिन को मेंटेन रखना इनका काम है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के व्हीकल मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान रखना भी इनका काम है। साथ में वॉर सिचुएशन के दौरान जिन लोगों को घुसपैठिए के तौर पे पकड़ा जाता है, इंडियन आर्मी उन्हें बंदी बना लेता है और मिलिट्री पुलिस उन अपराधियों को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी रिलेटेड किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन मिलिट्री पुलिस द्वारा ही किया जाता है। साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्लोज प्रोटेक्शन भी देता है आर्मी पुलिस, और इस तरह के कामों के लिए इन सबको ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनका ट्रेनिंग नॉर्मल सोल्जर जैसा नहीं होता है, अपने ड्यूटीज के अकॉर्डिंग इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। आशा करता हूँ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।